सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन में, जहां पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एंट्रोक्विनोल टेबलेट के बारे में। दोस्तों साथ ही इस चैनल पे ये पहला वीडियो जो कि मैं आपको ब्रांड नेम से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि एंट्रोक्विनोल जो टेबलेट है इसका जो जेनरिक नाम है उसके बारे में बहुत ही कम दोस्त जानते हैं। सबसे पहले इसके जेनरिक नाम को मैं बता दूँ, इसका जो जेनरिक नाम है वो क्विनाडियोक्लोर टेबलेट है। जानेंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसमें से आप दोस्त में से कई जो दोस्त हैं इसको जानते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 की दवा के रूप में, और YouTube पे भी कई वीडियो डाले गए हैं 10 की बेहतरीन दवा। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा 10 के अलावा किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए दवा काम ली जाती है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किन किन व्यक्ति को दवा नहीं दी जा सकती, साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, डोज कितनी मात्रा में होती है, मैक्सिमम कितनी दवा आप ले सकते हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्यों ये बच्चों को नहीं दी जा सकती और कई इसके महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको क्विनाडियोल टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्विनाडियोक्लोर एक एंटी एमोइबिक मेडिसिन है, जिसके अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ल्यूमिनल एमोबिसाइडल ये क्लास में रखा गया है, और इसे फर्दर 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सब क्लास में विभाजित किया गया है। यह एंटोमोबिया, गर्डिया, ट्राइकोमोनस के साथ में फंगई तथा बैक्टीरिया के अगेंस्ट मोर एक्टिव है, और यह सिस्ट फॉर्मिंग जो एमोबिया है उसको इंटेस्टाइन में खत्म करने की ताकत रखता है। परंतु यह टिश्यू एमोबिसाइडल एक्शन नहीं रखता है, मतलब यदि किसी व्यक्ति को टिश्यू एमोबिया से कोई इन्फेक्शन हो जाए उसको यह ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण से मल्टीपल इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर द्वारा इस दवा के साथ में मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल या ओरनिडाजोल टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही यदि आप मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अलग से वीडियो बनाए, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के बारे में जान सकते हैं। क्विनाडियोक्लोर जो टेबलेट है 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, और यह जो टेबलेट है आपको अपने जेनरिक नाम से मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है। जो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो एंट्रोक्विनोल टेबलेट है, इसे आप सभी भलीभांति परिचित है। और इसके अलावा क्या क्या नाम से मिल जाती है उसके बारे में आपको बता दूँ, जैसे कि एसक्विनोल टेबलेट, एंटरक्विन टेबलेट, क्विनोफॉर्म टेबलेट, ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड कुछ और है जो मैंने बताई, और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको एरिया मिले, लेकिन जो दवा का मूल नाम रहेगा वो क्विनाडियोक्लोर ही रहेगा। दोस्तों अब बढ़ लेते हैं इसकी यूज की तरफ, किस किस बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि यह एंटी एमोबिक, एंटी फंगल तथा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, तो इसका जो मुख्यतः प्रयोग है एमोबिया के कारण होने वाले दस्त और पेचिस को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। मतलब जो अमोबिया के कारण डायरिया, डिसेंट्री होती है तो उस समय डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। उस समय व्यक्ति को बार बार मोशन लगेगा, दस्त लग सकती है, और सीवियर कंडीशन में दर्द के दस्त के साथ में ब्लड भी आएगा, और साथ ही फीवर उसको आ सकता है, पेट में उसको मरोड़ क्रैम्प हो सकते हैं, ये कुछ स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए एंट्रोक्विनोल टेबलेट जो क्विनाडियोक्लोर है ये प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा यदि बात की जाए दोस्तों, यदि कोई पेशेंट है जिसको स्किन पे चकते हो गए हो, साथ ही रिंग वर्म मतलब गोल गोल दाद हो गए हो, वहाँ पे इचिंग चल रही हो, इसके अलावा एक्जिमा मतलब रेडनेस, इचिंग या इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन अगर लग रहा हो, तो इन सभी कंडीशन में, इन सभी स्किन डिजीज में भी यह एंट्रोक्विनोल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और इन सभी यूज के अलावा डॉक्टर कई बार पेशेंट को डैंड्रफ के लिए, महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए, और इसके अलावा वॉर्म इन्फेक्शन के लिए भी यह प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा एक बीमारी का नाम है दोस्तों गर्डियासिस। यह एक इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, जो कि कंटामिनेटेड फूड तथा कंटामिनेटेड वाटर, संक्रमित पानी तथा संक्रमित खाना खाने से होती है, और इसी से यह स्प्रेड होता है। उस समय व्यक्ति को बार बार दस्त लगती है, पेट में मरोड़ आएंगे, बुखार भी उसको आ सकता है, तो ये स्थिति भी इस टेबलेट द्वारा सही की जा सकती है, इसके ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग लिया जाता है। और हो सकता है दोस्तों जो मैंने यूज़ बताएं इसके अलावा कोई दूसरी बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसका प्रयोग लें। बहुत ही अच्छी दवा है दस्त को, पेचिस को रोकने के लिए, कई अन्य बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसको ये दवा नहीं दी जा सकती, तो उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन व्यक्ति ये कॉन्ट्राइंडिकेट है। सबसे पहले वह व्यक्ति जो इस दवा से हाइपर सेंसिटिव हो, इसके अलावा कोई व्यक्ति हो जिसकी लीवर डिजीज़ हो, कि उसको किडनी डिजीज की प्रॉब्लम हो, कोई महिला हो जो प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग मदर वो हो, थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव उसकी हो, आयोडीन एलर्जी किसी व्यक्ति को हो, साथ ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और कोई बच्चा है,
तो इन सभी में यह दवा कॉन्ट्राइंडिकेट है, व्यक्ति को नहीं दी जाती। साथ ही यदि इन सभी कंडीशन से आप फेस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, जिससे कि आपको यह दवा नहीं लिख के कोई दूसरी दवा लिखी जा सके। दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन को जानने के बाद बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या दिखने को मिल सकते हैं? जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें नोजिया, वोमिटिंग, साथ ही पेट में दर्द उसको हो सकता है, आहार-नाल में जलन मतलब हार्टबर्न उसको हो सकती है, डिजीनेस रहना, कमजोरी लगना, सिर दर्द होना, हार्ट रेट उसकी बढ़ जाएगी, साथ ही मुंह में सूखापन रहेगा, आंखों में सूखापन व्यक्ति को लग सकता है, और इसके अलावा हेयर लॉस की समस्या भी देखी गई है। ये या इसके अलावा भी कोई अनवांटेड अगर इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके और फ्यूचर में एंड्रोक्विनोन टेबलेट को आप प्रयोग नहीं करें। दोस्तों अब बढ़ लेते हैं इसकी डोज की तरफ, कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो दवा की डोज रहती है पेशेंट की एज, उसके वेट, साथ ही डिजीज़ के टाइप और सीवियरिटी पे डिपेंड करती है कितनी डोज उसको देनी है। लेकिन जो जनरल डोज है उसके बारे में आपको बता दूँ, 250 मिलीग्राम की एंट्रोक्विनोल टेबलेट या 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार या ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद में लेना होता है। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 2 या 3 दिन अगर इसको लिया जाए तो 10 से अच्छा निजात मिल जाता है। अगर इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से मिले, अपने खुद से यह टेबलेट नहीं ले। और जब भी आप इस टेबलेट को दस्त के लिए भी ले रहे हो ओवर द काउंटर, तो अपने फार्मासी से इसकी डोज जरूर पूछे या डॉक्टर से पूछे, उसके बाद ही इसको ले। अगर इसके मैक्सिमम डोज की बात की जाए तो 1.5 ग्राम प्रतिदिन के अनुसार इसको लिया जाता है, मतलब 500 मिलीग्राम की जो टेबलेट है दिन में 3 बार मैक्सिमम दी जाएगी। साथ ही इसको जो लॉन्ग टर्म इसका ड्यूरेशन है मैक्सिमम 14 डेज होता है, उसके बाद आपको ये समस्या करने लग जाता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं और जान लेते हैं क्यों भारत में बच्चों को बैन कर दी गई है। दोस्तों जब इस दवा का जो हाई डोज है आप लगातार लेते हैं या फ्रिक्वेंटली इसको रिपीट करते रहते हैं, तो उस समय आपको न्यूरोपैथिक सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें आपको नर्विक पेन रहता है, अनचाहा दर्द रहता है, जो कि पेन के लिए टेबलेट लेने पे ठीक नहीं होता है। तो ये समस्या आपको ये टेबलेट कर सकती है। साथ ही जब भी आप इसकी टेबलेट खरीदते हैं तो उस पर आपको एक कोजन लिखा हुआ मिलेगा कि इस दवा को आप 14 दिन से ज़्यादा हाई डोज में नहीं लें, आपको न्यूराइटिस तथा ओटिक डैमेज कर सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर से पढ़ें। दोस्तों भारत में इसको बच्चों के लिए बैन करने का जो कारण था उसके बारे में बता दूं, जब ये दवा बच्चों को दस्त रोकने के लिए दी जाती है तो उस समय इस दवा को बच्चे लेने के बाद में उन बच्चों में ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाता है, उसमें अंधापन आ जाता है। तो इसी कारण से ये जो दवा है बच्चों को नहीं दी जाती, और जो नर्विक सिंड्रोम है उसी कारण से जापान तथा जो अन्य कंट्रीज है इस दवा को बैन कर दिया है, वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों आप विशेष सावधानी रखें, यदि किसी बच्चे को दस्त और सेंट्री की प्रॉब्लम हो तो एंट्रोक्विनोल जो दवा है ये बिल्कुल ही नहीं दे, अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि ढंग से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, उसको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने एंट्रोक्विनोल टेबलेट के बारे में बता दी, जिसे हम क्विनाइडाक्लोर टेबलेट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कई सारी नई जानकारी आपको मिले होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। और यदि वीडियो आपको जोर से पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है इसे दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिले, सभी मेरे वीडियो आप देख पाएं। आप तो अपने दोस्त मोहित आदिक साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल टू मेडिसिन यूजर्स।